जहाँ कृष्ण वहाँ राधा। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही राधा के नाम से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग कान्हा को राधे कृष्ण राधे श्याम कहकर पुकारते हैं। इसे कृष्ण और राधा के प्रेम की ताकत कह ले या भौतिकता से दूर अध्यात्म और आंतरिक मिलन की मिसाल कह ले, एक दूसरे के साथ न होने पर भी भगवान कृष्ण और राधा एक ही है। उनके प्रेम की मिसाल दी जाती है, दोनों बचपन में बरसाना और वृंदावन की गलियों में मिले, उन्हें प्रेम हुआ। पुराणों के मुताबिक हर प्रेमी युगल की तरह वह भी एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। कृष्ण मथुरा चले गए और एक राजा बन गए। कहा जाता है कि जाने से पहले कृष्ण ने राधा से वापस आने का वादा किया था। हालांकि कृष्ण कभी वापस मथुरा नहीं लौटे। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से ये समझा जा सकता है कि उनके प्रेम कहानी अधूरी रह गई, दोनों का मिलन न हो सका। लेकिन अगर उनके प्रेम की गहराई को समझें, तो राधा व कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, तो उनके विवाह और भौतिक मिलन का क्या अर्थ? चलिए जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की ऐसी अनोखी बातें जो हर सच्चे प्रेमी युगल को जाननी चाहिए। वृंदावन के निधिवन में आज भी कान्हा करते हैं रासलीला। श्री कृष्ण की रासलीला वृंदावन की गलियों में आज भी कहानी किस्सों की तरह सुनाई जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कान्हा राधा जी के साथ शाम होने पर वन में रास रचाते थे। उनका साथ देने के लिए वन के पेड़ पौधे गोपियां बन जाया करती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदावन का निधिवन रासलीला का गवाह है। आज भी शाम की आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान रासलीला करने के लिए हर शाम यहाँ आते हैं। पेड़ गोपियां बन जाते हैं और कान्हा और राधा का मिलन होता है। इस रासलीला को मनुष्य तो क्या पशु पक्षियां भी नहीं देखते, सभी निधिवन से दूर हो जाते हैं। मान्यता ये भी है कि जिस भी मनुष्य ने कन्हैया की रासलीला देखने की कोशिश की, वह इसे बताने योग्य न रहा, या तो वह अपने होश खो बैठा या उसकी किसी कारण मौत हो गई। निधिवन में लगे तुलसी के पौधे जोड़ों में हैं, जो कृष्ण और राधा की रासलीला में शामिल होने के लिए गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं। कृष्ण और राधा पति पत्नी नहीं थे, उन्हें हमेशा से एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन हर मंदिर में, हर मूर्ति और हर तस्वीर में कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ नहीं बल्कि राधा के साथ रहते हैं। 16,108 रानियों पर एकमात्र राधा का प्रेम भारी पड़ जाता है। आखिर क्यों? राधा और कृष्ण के प्रेम की ऐसी क्या खासियत थी? चलिए जानते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम एक मिसाल क्यों है, अलग नहीं है राधा और कृष्ण। कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम से यह बताया कि वह दोनों अलग नहीं है। कृष्ण अगर शरीर है तो राधा आत्मा है। कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी के मुताबिक कान्हा के मथुरा जाने से पहले एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते। इस पर कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय व आत्मा बन गई थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। राधा कृष्ण में था बहुत अंतर, सुंदरता और आयु का अंतर। प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता। राधा रानी श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी, फिर भी कान्हा राधा से बहुत स्नेह करते थे। उन दोनों के लिए आयु कोई मायने नहीं रखती थी। इसी तरह कई विद्वानों के मुताबिक राधा दूध की तरह गोरी और सुंदर थी, वहीं कान्हा सांवले थे, फिर भी दोनों एक दूसरे को भा गए। प्रेम हृदय से होता है, शक्ल और उम्र से नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जरूर लिखे लाइक करें।